हेलो एवरीवन, इफ यू कैन हियर मी गिव अ थम्स अप। हेलो नवनीत कुमार, हेलो मोहित, फैंटास्टिक क्लैरिटी इज ओ गुड, माय वॉइस वॉइस क्लैरिटी। ज़ारा मुबीन वालेकुम अस्सलाम, यस लेट्स स्टार्ट। मोहित आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल सैफ, प्लीज़ इस टाइम कॉल ना करें, वो उनकी बार बार कॉल आ रही है फिर सैफ के फ़ोन से, तो प्लीज़ आप उनको रिमाइंड करवा दीजिए, मेरा ये लाइव सेशन चल रहा है इस टाइम। या तो आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम यहाँ आपके सामने हाज़िर हुए हैं हाउ टू स्टडी टाइटल के अंडर में आपके साथ अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसके ताल्लुक से जैसे मैंने फील किया स्कूल्स में बहुत कम गाइड किया जाता है बच्चों को, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है स्टडीज़ में, तो मैंने सोचा जितना मैं जानता हूँ जितनी मुझे समझ है मैं उतना कम से कम आपके साथ शेयर करूँ। इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग ए टीचर। तो मैंने हाउ टू स्टडी टॉपिक को डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, आई क्लासिफाइड ऑल दीज टॉपिक्स इन टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी है फंडामेंटल्स, और दूसरी है एडवांस्ड। इन दो कैटेगरीज में बेसिकली हमने सारे टॉपिक्स को जिस पर हमें बात करनी है हमने डिवाइड किया है। कुछ फंडामेंटल्स हैं टेक्निक्स के और कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स हैं, उनके बाद में हम बाद में बात करेंगे जब हम फंडामेंटल जितने हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो फंडामेंटल टॉपिक्स में पहला टॉपिक है हमारा टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल ये अच्छा होता है या बुरा होता है, यानी टाइम शेड्यूल से पढ़ना ये अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर अच्छी होती है तो टाइम शेड्यूल को किस तरह से बनाना चाहिए, क्या उसका सही तरीका है। सेकंड टॉपिक है स्टडी हैबिट्स। स्टडी हैबिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोगों को लेट कर पढ़ने की आदत होती है, वो बैठ कर नहीं पढ़ सकते। बहुत से लोगों को चल कर टहल कर या पढ़ने की आदत होती है, और बहुत से लोगों को टेबल पर बुक रख के चेयर पर बैठकर स्टडी करने की आदत होती है। तो इन स्टडी हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, या क्या इसके नुकसान और फ़ायदे हैं, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक है एडिक्वेट स्लीप, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली आजकल के ज़माने में, जब ये देखा जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत लेट नाइट तक या तो स्टडी करते हैं या यूट्यूब या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो रहते हैं, तो अक्सर मैंने ये देखा है आजकल की जो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें ये कॉमन मर्ज है, बहुत रात देर तक जागना और सुबह देर तक उठना, या थोड़ा सा सोना, 3 घंटे 4 घंटे सोना, तो इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा है फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है स्टडीज़ के लिए। और पांचवा टॉपिक है ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। सिक्स टॉपिक हमने लिया है एम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट, और सेवन्थ है वाटर इनटेक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस हमें इनको देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
टाइम स्केड्यूल की कि वो अच्छा होता है या बुरा होता है, और अगर अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसको किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए, टाइम स्केड्यूल का अच्छा होना या बुरा होना, मोहम्मद शाह वालेकुम अस्सलाम, तो टाइम स्केड्यूल या स्केड्यूल व्हाट एवर यू से, तो इसका अच्छा होना या बुरा होना ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। यानी कुछ टाइप होती हैं स्टूडेंट्स की और उनकी अपना एक पर्टिकुलर मेंटालिटी होती है या सोचने का तरीका होता है। तो ये माना गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम स्केड्यूल के बग़ैर नहीं पढ़ सकते। वो अगर टाइम स्केड्यूल के हिसाब से, स्टडी स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी अच्छी होती है, और स्केड्यूल के हिसाब से अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उनकी स्टडीज़ अच्छी नहीं होती। और दूसरा टाइप वो बच्चों की होती है जो टाइम स्केड्यूल से जब पढ़ते हैं तो उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, वो नहीं कर पाते, और बिना टाइम स्केड्यूल के पढ़ते हैं तो वो अच्छा खासी स्टडी कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि आप किस टाइप में लाई करते हैं, विच काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर अमंग दीज टू कैटेगरीज। तो इसको पहचानने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर स्केड्यूल, अगर आपने स्टडी स्केड्यूल अभी तक नहीं बनाया है तो आप एक रफ स्केड्यूल बनाइए किसी एक दिन भी, और आप उससे पढ़कर देखिए। बेसिकली होता ये है कि जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को ये सूट नहीं करता टाइम स्केड्यूल, और वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अगर स्केड्यूल बना लेते हैं और उस स्केड्यूल में शुरू में अगर कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टडी शेड्यूल तैयार किया अपने लिए पूरे दिन के लिए, और उसमें एक स्लॉट था 7 to 9, 7 to 9 मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश पढ़नी थी, ठीक है, 7 to 9 के दरमियान में या 7 o'clock शुरू में ही मेरा कोई दोस्त आ जाता है मेरे घर, या कोई मेरा रिलेटिव आ जाता है, उसकी वजह से अनअवॉइडेबल हो जाता है मेरे लिए उसको अटेंड ना करना। तो मुझे अपनी स्टडीज़ को, अपने शेड्यूल को वायलेट करना पड़ता है और मैं उसके साथ एंगेज हो जाता हूँ। 1 घंटे के बाद में या 2 घंटे के बाद में जब वो चला जाता है, तब अगर मैं रिमेनिंग स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ लेता हूँ, यानी मेरा एक स्लॉट ख़राब हो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे दिन जो मेरे दूसरे स्लॉट्स हैं उनमें मैं तबीयत से पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ता हूँ जिस तरह से पढ़ना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, तो मैं उस कैटेगरी का आदमी हूँ जिनको टाइम स्केड्यूल से या स्टडी स्केड्यूल से पढ़ना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक मी कि अगर उनका एक स्लॉट ख़राब हो गया तो उनका मूड ख़राब हो जाता है और कहते हैं कि यार नहीं, अब कल से पढ़ेंगे। अब शुरू में टाइम स्केड्यूल ख़राब हो गया, हमारा एक स्लॉट तो ख़राब हो गया, अब क्या फ़ायदा टाइम स्केड्यूल से पढ़ने में, इस तरह की उनकी सोच होती है और इस तरह से वो सोचते हैं, वो अच्छा फील नहीं करते। उसके बाद अगर एक स्लॉट उनका ख़राब हो जाए तो बाकी स्लॉट्स में वो पढ़ने में अपनी दिलचस्पी महसूस नहीं करते और वो डिसइंटरेस्ट महसूस करते हैं कि यार सारा कबाड़ा हो गया, अब जो सोचा था वो गड़बड़ हो गया। हालांकि एक ही स्लॉट ख़राब हुआ है, लेकिन वो उस ख़राब होने वाले स्लॉट की वजह से बाकी जितने स्लॉट्स हैं उसमें भी पढ़ाई नहीं करते। तो ये अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आपको इसको, आपको ऐसा लगता है उस शेड्यूल को बनाने के बाद में और उससे पढ़ने के बाद में, तो इसका मतलब आप उन स्टूडेंट्स में ऐसे हैं जिनको टाइम स्टडी शेड्यूल से स्टडी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो है किसी भी टाइम स्केड्यूल का अच्छा होना या बुरा होना। इसके ताल्लुक से अगर आप कुछ आपके अंदर क्वेरीज हैं, आपकी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज मुझे टाइप कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरीबडी। और अगर ये क्लियर हो गया है तो आप या तो थम्स अप शो करिए या फिर एक दो वर्ड लिख दीजिए इट्स क्लियर, सो दैट मुझे पता चल जाए कि ये बात आपको क्लियर हो गई है।
या कैफ रुमान, वालेकुम सलाम। प्लीज़ गिव अ रेस्पॉन्स, मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। Can you hear me? Please tell me if my voice is not clear or you can't hear me. और दूसरी बात ये कि मैं ये आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये हिंदी में दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारी ऑडियंस जो है हिंदू हिंदी नोइंग है, और अगर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इसको इंग्लिश में देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं एक दूसरी सीरीज़ इंग्लिश में भी इसकी एक अलग से टाइम स्लॉट बनाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट to deliver the same lecture in English, क्योंकि बहरहाल English knowing जो मेरे viewers हैं उनकी भी अपनी importance है। Okay, तो ये अब clear हो गया कि आपकी बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं good और bad। Next topic is how to form। अब टाइम शेड्यूल को बनाते कैसे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ कीप अ पेन एंड अ पेपर विद यू सो दैट यू कैन नोट डाउन द मेजर टॉपिक्स। तो बेसिकली टाइम शेड्यूल को क्रिएट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक पॉकेट डायरी ले लीजिए, छोटे साइज़ में जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और उन पॉकेट डायरीज़ के ऊपर आप एक हफ्ता या कम से कम 3-4 दिन अपने पूरे दिन के जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी समरी लिखिए। यानी आप सुबह कितने बजे यूजुअली ब्रेकफास्ट लेते हैं, कितने बजकर कितने मिनट पर, या कितने टाइम आप बाथरूम होते हैं, या प्लीज़ या सिडोनिम पैसी यू आर आस्किंग वट एवर यू सेड इज वेरी क्लियर बट वन थिंग आई वांट आस्क प्लीज आस्क या मोस्ट वेलकम। इफ वी आर इन अ जॉब हाउ टू मैनेज स्टडी टाइम फॉर अ कॉम्पिटिशन, इफ यू आर इन अ जॉब हाउ टू मैनेज टाइम इन कॉम्पिटिशन। सो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपकी जॉब की टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं, और उनके अलावा जो आपकी और नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी समरी आपको तैयार करनी होगी। ओके ओके मींस कॉम्पिटिटिव टेस्ट राइट। तो उसके लिए आपको करना ही होगा कि अब आप अपना सबसे पहले जो फ्री टाइम है उसको सॉर्ट आउट करिए। अपने पूरे 24 घंटे में आपको कितना फ्री टाइम मिलता है, एब्सोल्यूट फ्री, जिसको आप किसी भी तरह से यूज़ करते हो लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। यानी ज़रूरी है कि आपका जो ऑफिस टाइम है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ऑफिशियल वर्क होगा, लेकिन घर आने के बाद में आप कितना टाइम टीवी देखते हो, कितना टाइम गॉसिप करते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक समरी बनानी होगी। और उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे इसके सर्वे में, तो जब आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे कि इतने आवर्स मेरे पास फ्री हैं जिनको मैं किसी तरह से भी मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके बाद में आप उसको उस खाली जो फ्री टाइम आपका है उसको मैनेज करने के लिए जितने टॉपिक्स को भी आपको स्टडी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ्स पढ़नी है एंड जीके पढ़नी है एंड इंग्लिश पढ़नी है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 घंटे आप सेव कर पा रहे हैं फ्री तो आप उसमें एलोकेट कर सकते हो 2 आवर्स फॉर मैथ्स एंड 2 आवर्स फॉर जीके एंड 1 आवर फॉर इंग्लिश वट एवर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा टाइम आप उसको असाइन करिए, उस सब्जेक्ट को असाइन करिए जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है, जो सबसे ज़्यादा ईजी हमें लगता है सब्जेक्ट, और जिसके बारे में हम अपने आप को ज़्यादा बेटर पाते हैं, उसके लिए टाइम कम रखिए
और जिस सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपको नहीं लगता कि अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, उसके लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। और आप दूसरी बात कि आपका जो ये टाइम शेड्यूल बनाएंगे आप, ये एवरी संडे फॉर द होल वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा का आप टाइम शेड्यूल कभी भी तैयार ना करें, क्योंकि अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हमारा जो शेड्यूल होता है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वेरी करती हैं टाइम टू टाइम। तो हर वीक एक ही सिचुएशन में हम नहीं लाइफ को जीते हैं, तो आप हर हफ्ते उसमें टाइम टेबल फ्रेश बनाइए फॉर द होल वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और उसमें थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटी भी रखिए। बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल बनाएंगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपने 2 घंटे एक स्टडी किया है एट अ स्ट्रेच, तो उसके और अगली स्लॉट के बीच में कम से कम 15 मिनट या आधा घंटे का गैप होना चाहिए, सो दैट अगर कोई आपको ज़रूरी काम आ जाए या कोई अनअवॉइडेबल आपके लिए कोई काम हो, कोई एक्टिविटी हो, तो आप उसको उसमें मैनेज कर सकें, थोड़ा आगे पीछे कर सकें टाइम स्लॉट्स को। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्लॉट होगा, मिनट टू मिनट अगर आप अकाउंट बनाओगे तो उसमें उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और फिर वही डिसइंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाता है कि आपका टाइम स्लॉट आप फॉलो नहीं कर पाओगे, और शुरू में ही आपको बोरिंग लगने लगेगा स्टडी शेड्यूल से पढ़ना। हालांकि मैं बताऊं कि अगर आप स्टडी शेड्यूल से पढ़ सकते हो तो दिस इज़ बेस्ट। स्टडी शेड्यूल से जो इंसान पढ़ सकता है उससे बढ़िया स्टडी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है टाइम का। अगर मैं हूँ, मैं टाइम शेड्यूल से नहीं पढ़ता हूँ और उससे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो जाहिर है कि मैं टाइम शेड्यूल से पढ़ूंगा तो मेरी पढ़ाई तो अच्छी नहीं होगी, विदाउट शेड्यूल पढ़ूंगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन मैं एक उस बंदे के मुकाबले में या उस बंदी के मुकाबले में जो टाइम शेड्यूल से पढ़ती है पढ़ता है, मैं इतना टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगा विदाउट शेड्यूल। ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ मेरा वेस्टेज होगा टाइम, क्योंकि मैं किसी बाउंड फ्रेमवर्क में स्टिक नहीं हूँ। आई डोंट फील एनी बाउंडेशन, आई एम फ्री। तो उसमें मैं फ्रीली उसको जब पढ़ाई करूँगा, स्टडी करूँगा, तो उसमें जाहिर है कि मैं थोड़ा सा नेग्लिजेंस भी मेरे अंदर आ जाएगा। तो अगर आप कर सकते हो टाइम टेबल मैनेज, तो टाइम शेड्यूल इज़ द बेस्ट वन। आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर योर ऑफ योर क्वेश्चन। Is it clear now? Please let me know. Yes, तो हम बात कर रहे थे how to form time schedule. उसका बेहतरीन practice ये है कि आप एक pocket diary ले लीजिए। It's most welcome, Percy, most welcome. तो उसके लिए आपको एक pocket diary लेना होगी, और उस diary पर सैयद असद जमील जैदी, नाइस एक्सप्लेनिंग सर, प्लीज टेल हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, आई विल टेल यू अ लिटिल बिट लेटर, क्योंकि मुझे इसको क्लियर करना है पहले, हाउ टू फॉर्म टाइम शेड्यूल। आई एम वेरी सॉरी टू नॉट टू एक्सेप्ट योर क्वेरी एट द मोमेंट, क्योंकि ये कई बार मैं यहाँ अटक गया हूँ और इसको मुझे एक टॉपिक को क्लियर करना है, हाउ टू फॉर्म। तो हाउ टू फॉर्म अ टाइम स्केड्यूल, उसके लिए एक छोटी पॉकेट डायरी आप ले लेंगे, और उसके ऊपर 2-3 दिन या एक हफ्ता आप अपनी एक्टिविटीज़ को लिखेंगे कि आप कितना टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, कितने टाइम आप बाथरूम में रहते हैं, और किस टाइम आप घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। आजकल कोविड-19 का ज़माना है, तो ज़ाहिर है कि ये तो चीज़ नहीं आएगी उसमें, लेकिन बहरहाल खुदा करे कि जल्दी टाइम वो आ जाए कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, हम पहले की तरह ज़िंदगी को जीने लगें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लिखोगे, और जब आप 2-3 दिन की एक्टिविटीज़ लिख लेंगे, तो ध्यान से एक दिन बैठकर आप उन सारी एक्टिविटीज़ में से ये देखिए कि आपका फ्री स्लॉट कहाँ कहाँ पर है, और आप एग्जैक्टली जो आपका फ्री अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको आप स्टडी में लगा सकते हैं, वो अलग सॉर्ट कर लीजिए किसी अलग पेपर पर, कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं फ्री हूँ, इस टाइम से इस टाइम तक फ्री हूँ, एंड देन गेट द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, कितना स्पेन ऑफ टाइम है जो आप स्टडीज़ को दे सकते हो, और उसके बाद आप उस टाइम को यूटिलाइज करो इस तरह से कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है उसको आप टाइम कम दें, और जो इजी सब्जेक्ट हैं, जो आपको इजी लगते हैं आई थिंक, तो
उसको टाइम आप कम दीजिए। और क्यों आपको वीकली ये प्रिपेयर करना होगा फ्रेश, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने लगोगे, एक दूसरे सब्जेक्ट को एक कम टाइम देने लगोगे, तो हो सकता है थोड़े से दिनों में वो जिसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो सब्जेक्ट को, उसमें आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करने लगो, और जिसमें आप कम टाइम दे रहे थे उसमें आप अपने आप को थोड़ा इन कंपैरिजन टू दैट सब्जेक्ट वीक फील करने लगो। तो फिर आपको जो टाइम शेड्यूल आगे बनाना है तो आपको इसको रिवर्स कर देना है, यानी आप ज़्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दोगे जिसको आप पहले कम दे रहे थे, और जिसको आप ज़्यादा दे रहे थे और आप फील करते हो कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है और आपके ग्रिप में है वो सब्जेक्ट, तो उसको आप कम टाइम देना शुरू कर दीजिए इन कंपैरिजन टू दैट वन। तो इस तरह से आप इसको रीशफल करते रहें सब्जेक्ट्स को, टाइम को। दूसरी बात ये कि जो डेली आपको टाइम मिल रहा है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट को आपको डेली टाइम देना है, बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप वीकली अगर दो दिन पढ़ो तभी काफ़ी है, और अगर तीन दिन पढ़ो किसी सब्जेक्ट को तो काफ़ी है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको रेगुलरली डेली पढ़ना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, लाइक मैथमेटिक्स और एनी सब्जेक्ट यू फाइंड डिफिकल्ट। तो इस तरह से आप टाइम को डिवाइड करोगे सब्जेक्ट वाइज। दो तीन दिन का सर्वे आपको करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया कि एक पॉकेट डायरी आपको हर टाइम अपने साथ रखनी है, चाहे आपके पर्स में हो या आपके पॉकेट में हो, वो रहनी चाहिए ताकि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर सकें, आप कहाँ कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि जनरली होता यह है कि हम जब किसी चीज़ को नोट नहीं करते हैं तो हमें इस बात को हम महसूस नहीं कर पाते कि कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में। तो जब आप हर चीज़ को नोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने दो घंटा खाली वेस्ट किया है, सिर्फ बातें की हैं घर वालों के साथ में या दोस्तों के साथ में, और मैंने एक घंटा पबजी खेला है, और मैंने फला टाइम पे एक फालतू की चीज़ की है। तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपकी पिक्चर क्या है, लाइफ कहाँ पर लैग कर रही है, आप कहाँ पर अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अब उसको सुधार सको। तभी हो सकता है जब आप अपनी एक्टिविटीज़ का एक अकाउंट तैयार करो। होप यू गॉट इट। इसके ताल्लुक से अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। One sec. जी एनी डाउट? हाँ जी, सैयद असद जमील जी, अब आपके मैं क्वेरी को ले सकता हूँ। नाइस एक्सप्लेनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेल हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके फाइन, तो भाई इसको देखिए, अवॉइड करने के लिए यू नीड टू बी वेरी यू नीड टू स्टिक टू योर टाइम स्केड्यूल। आपके लिए टाइम स्केड्यूल बहुत ज़रूरी है। जिसको ये प्रॉब्लम है कि वो अपने कामों को टालता है और डिले करता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, तो उसके लिए इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसको एक टाइम स्टडी स्केड्यूल बनाना चाहिए और बहुत स्टिक रहना चाहिए। और बेटर है कि आप अपने दोस्तों को भी ये इस बात से मना कर दें, लेट देम नो कि आप इस टाइम स्टडीज़ करते हो और आपको वो डिस्टर्ब ना करें, ऐसा ना हो कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर आपका मूड चौपट कर दें। तो कुछ टाइम लगेगा, जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे तो आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त सब जान जाएंगे कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक अवेलेबल नहीं होते हो, आप स्टडी करते हो, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीथिंग एल्स?
और ये भी मैं अभी से सजेशन चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं सारे, इन टॉपिक्स में से सिर्फ एक एक टॉपिक्स को हम लें एक सेशन में। मिरेकल्स ऑफ कुरान, थैंक डन सर, नेक्स्ट, थैंक यू। तो आप इसमें मुझे सजेस्ट करिए कि ये सारे टॉपिक्स में मैं टॉपिक्स एक सेशन में लूँ, या एक टॉपिक एक सेशन में लूँ, या सारे टॉपिक्स एक सेशन में लूँ, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो आई थिंक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते लाइव सेशन में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन, मैक्सिमम तीन पर जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये हो सकती है कि कुछ लोगों को इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट राइटिंग डाउन, व्हेन यू आर नॉट नोटिंग डाउन दीज पॉइंट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। क्योंकि एज पर रिसर्च, हम जो भी समझते हैं या सुनते हैं वो हम अगले 24 घंटे में उसका 80% भूल जाते हैं, सिर्फ 20% हमारे ट्रेसेस रह जाती हैं, थोड़ी सी रिमाइंडर रिमेन इन अवर ब्रेन, ओनली ट्रेसेस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन 20%। तो 20% से कोई ख़ास आप कमाल नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता ये हूँ कि बात छोटी हो, ब्रीफ में बात हो, ताकि वो आपको याद रह सके। अदरवाइज यू सजेस्ट मी वट एवर यू लाइक। तो जिसको मेजॉरिटी बोलेगी आई विल गो फॉर दैट। मोहम्मद शान सर, स्कूल और ट्यूशन का बाद सेल्फ स्टडी का के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओके, ये भी अच्छा पॉइंट है, टाइम नहीं मिलता तो सर क्या करना चाहिए? ओके, हाँ ये तो कॉम्प्लिकेशन है। तो आपका मसला ये है ना कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, पीसीएम से हैं, तो मसला ये है कि पीसीएम में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या मैथ्स बायो पीसीबी में है तो भी बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन मैथ्स वाले के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। नवनीत कुमार, नाइस वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, प्लीज़ टेल ऑप्शंस फॉर प्रिपरेशन और प्लान फॉर जेईई। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा मेरे भाई, आई विल ट्राई इन माय नेक्स्ट सेशंस, मतलब इस सीरीज़ के, पूरी सीरीज़ के बाद में। ये तो स्पेसिफिकली हाउ टू स्टडी के लिए हैं, हम इसमें एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट को कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं कि हमें स्टडीज़ कैसे करनी चाहिए। तो पहले ये सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर लें ताकि दूसरे किसी टॉपिक पर हम जा सकें, उसके बाद में ट्राई करेंगे कि आपके टॉपिक्स पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिसमें जिसको आपने पूछा है उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो सेशन दे सकें आपको। अभी तो आप सिर्फ जनरल कोई क्वेरी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हाउ टू स्टडी को मुझे डिसाइड करने का रीज़न ये है कि एक तो बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, टीचर्स भी बहुत कम बात करते हैं, और पेरेंट्स में तो जा रहे हैं कि इतनी अवेयरनेस नहीं है जनरली। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एज ग्रुप के लिए ये प्रॉफिटेबल हो, ये एडवांटेजियस हो जानना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी चाहिए और एक हायर स्टडीज़ यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये एक जनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो है आई थिंक, हालांकि इस टाइम व्यूअर्स इतने नहीं हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, हम इसको ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं कर पाए लोगों को, इसकी पब्लिसिटी में थोड़ी कमी रह गई, तो शायद लोगों को पता ही नहीं हो। लेकिन बहरहाल आप जितने लोग प्रेजेंट हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। पहले तो मैंने जो आपसे पूछा वो मुझे बताइए कि मैं एक ही टॉपिक को रहने दूँ आज टाइम शेड्यूल के ताल्लुक से, ताकि वो जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं वो आपको याद रहें, या फिर मैं दो टॉपिक्स को कवर करूँ या और ज़्यादा, जो भी आप सही समझें वो प्लीज़ सजेस्ट करिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के जो नज़रिया है उसको जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सही लगता है वही सही हो। स्लीपिंग पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नीडेड, प्लीज़ टेल अबाउट इट। ओके ओके भाई, तो स्लीपिंग पॉइंट
जैसे कि आपने देखा है कि ये थर्ड पॉइंट पर है, तो पहले हमें स्टडी हैबिट्स की बात करेंगे, इसी सीक्वेंस में हमें बात करनी है। सो चलिए आज थोड़ा और बढ़ जाते हैं, फिर दो टॉपिक ले लें, तीन टॉपिक ले लें, अगर आपको यहाँ तक समझना है एडिक्वेट स्लीप। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू टेक एडिक्वेट स्लीप जस्ट ड्यू टू स्टडी। ओके, नहीं तो ये एक मिस्टेक है। अगर स्टडीज़ के लिए आप बहुत कम स्लीप लेते हैं तो ये अपने आप में एक मिस्टेक है। स्टडीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन स्टडीज़ को इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर हावी मत करिए कि आप जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है फिज़िकल, जो नेचुरल रिक्वायरमेंट हैं, सही खाना और सही सोना, वो आपका गड़बड़ हो जाए, ये बहुत गड़बड़ बात है। प्लीज़ इस बात को सभी लोग ध्यान रखें, स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है स्टडीज में, ये भी एक पॉइंट है। आई फॉरगॉट टू राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा इसके साथ में बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिलीव मी। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो सही से सो भी नहीं पाते, उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो कंसिस्टेंसी ना होना है। इररेगुलर स्टडी हैबिट्स वजह होती है इस बात की कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दें। यानी कि एक स्टूडेंट है जो किसी दिन 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 6 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 8 घंटे पढ़ता है, फिर किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ता। एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है लेकिन 4 ही घंटे पढ़ता है, 4 आवर्स एवरी डे, राइट, विदाउट एनी गैप, एवरी डे 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स, एंड ही इज़ वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कुछ भी हो जाए 4 घंटे उसको पढ़ना है। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट स्टडी। असल में फ्रूटफुल यही होती है, कंसिस्टेंट स्टडी इज़ वेरी फ्रूटफुल, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट हैं और आप कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट करते हैं अपनी स्टडीज़ में, तो बिलीव मी आप अच्छे से सो भी पाएंगे, अच्छे से खेल भी पाएंगे, अच्छे से आप सब कुछ कर पाएंगे जो ज़रूरी काम है आपकी लाइफ में, और आपकी स्टडीज़ भी स्मूथ चलती रहेंगी। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत जब ही होती है जब हम अपनी स्टडीज़ में इररेगुलर होते हैं। तो होता ये है कि हम शुरू में जो सेशन का की शुरुआत होती है उसमें हम स्टडीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, और हम किसी दिन 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो समझते हैं बहुत पढ़ लिया, तो अभी तो शुरू है, अभी तो पूरा साल पढ़ा हुआ है। फिर हम किसी दिन 3 घंटे पढ़ लेंगे, समझेंगे बहुत बड़ा तीर मार लिया। फिर हम किसी दिन स्किप भी कर देंगे, दोस्तों के साथ कहीं मैच खेलने का इरादा था, चलो यार चलते हैं मैच खेलते हैं, अरे पढ़ते तो रोज़ रहते हैं यार, चलो आज खेल के आते हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो आप चले गए अपने दोस्तों के साथ में, फिर अगले दिन फिर आपने 2 ही घंटे पढ़ा, फिर आपने तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ लिया, फिर किसी दिन आपने 4 घंटे भी पढ़ लिया, उसके बाद में अगले दिन आपने फिर 1 घंटा पढ़ा। तो ये जो ज़िगज़ैग है ना स्टडीज़ में, ये मेजर प्रॉब्लम है ज़्यादा टाइम देने की। क्योंकि जब होता क्या है, जब आप इररेगुलर स्टडीज़ करते हो तो आपका सिलेबस सही से कवर नहीं हो पाता, और आप सिंसियर होते हो स्टडीज़ के ताल्लुक से जब 2 मंथ बचते हैं या 1 महीना रह जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, तब आप सोचते हो कि यार क्या हुआ, इतने बहुत सारे चैप्टर्स रह गए और सिर्फ 2 महीने कैसे कवर होंगे, अब मेहनत करनी है। तो जाहिर है इस सिचुएशन में तो आप 8-8, 9-9 घंटे अब आप पढ़ोगे लास्ट में, तो आप कैसे सही सो पाओगे, आप कैसे सही से स्लीप ले पाओगे। द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज़ इररेगुलरिटी इन योर स्टडीज़। अगर आप कंसिस्टेंसी से स्टडीज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे होपफुली। यस, एनीथिंग एल्स? इज इट सफिशिएंट टुडे दीज 2 पॉइंट्स? आई थिंक इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, स्टडी हैबिट्स हैं, एडिक्वेट स्लीप है, ये डिटेल में हम बाद में बात करते हैं, या अगर आप चाहें तो अभी बात कर सकते हैं।
एज यू विश, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया। जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि एक इसी टॉपिक पे हम फिनिश कर दें सर। सब्जेक्ट्स के इंटरेस्ट और पैशन कितना अफेक्ट करता है? नवनीत कुमार, देखिए मेरे भाई, जहाँ तक पैशन की बात है, इसके ताल्लुक से एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक पैशन एक फ़िक्स चीज़ है कोई और वो पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है। पैशन आदमी का टाइम टू टाइम बदलता रहता है। यानी आप अपनी लाइफ के एक स्टेज पर एक चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, फिर दूसरी लाइफ के सेगमेंट में आप दूसरी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाते हैं। ये कोई कॉन्स्टेंट चीज़ नहीं है जो हमेशा चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो पैशनेट होता है टॉयज़ के लिए। उसका पैशन होता है टॉयज़। जब वो 11-12 साल की उम्र में आता है, या यूँ कहिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, 15-16 साल की उम्र में आता है, तो उसका पैशन हो जाता है फैशन, फिज़िकल अपीयरेंस, तो उस पर ध्यान देने लगता है। अब वो टॉयज से नहीं खेलता, वो बहुत ज़्यादा ईगर रहता है कपड़ों के ताल्लुक से। कपड़े बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राइट? उसके बाद थोड़ा सा और ग्रो करता है तो उसका पैशन हो जाता है ऑपोजिट सेक्स। अब उसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। बॉय है तो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, गर्ल्स हैं तो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि टू मेक फ्रेंडशिप विद समवन इज़ रियली समथिंग वन शुड बी पैशनेट फॉर। वो पैशनेट होते हैं फिर उस दोस्ती के लिए। प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं लाइफ में। फिर एक टाइम आता है जब आदमी कहता है कि नहीं यार, करियर मेन चीज़ है, इन बेवकूफ़ी की बातों के लिए क्या टाइम है। अब वो पैशनेट है करियर के लिए। इसी तरह से भाई, सब्जेक्ट्स का अगर ताल्लुक है तो उसके लिए भी हमारा जो पैशन है वो डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग पर। हम किस सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, जिस और कितने अच्छी तरह से उसको हमने बेसिक, जो हमारी जो बेसिक स्कूलिंग है, जो हमारी छोटी क्लासेस हैं, उसमें हमने किस सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसके लिए हम पैशनेट होते हैं, क्योंकि हम उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। किसी सब्जेक्ट के लिए अगर मैं पैशनेट नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। अगर मैंने वो ठीक से पढ़ा होता तो मैं उसके लिए भी पैशनेट होता। तो आई थिंक अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक से फील होता है कि आई एम नॉट पैशनेट फॉर, तो इसका मतलब आई एम वीक इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई नीड टू फाइंड माई वीकनेस, वेयर आई एम वीक। अगर मैं फंडामेंटल्स में वीक हूँ तो मुझे फंडामेंटल्स पर मेहनत करनी चाहिए, और जैसे ही मेरे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और वो सब्जेक्ट मुझे समझ में आना शुरू होगा, और मैं ये फील करूँगा कि नाउ आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो पैशनेट होना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इवन मैं आपको बात बताऊँ, प्रोफेशन में भी आदमी का पैशन कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसा आपने फील किया होगा, मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो लाइफ के एक स्टेज पर आकर उस प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं। और जनरली ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है, और मैं इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ कि ऐसा क्यों है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें ये कम देखा जाता है इमर्ज। यानी कि वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई इंसान अगर कोई किसी प्रोफेशन में है और वो कोई काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली और 20 साल से 25 साल से कर रहा है, तो वो फिर भी उसे उसी इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, वो बोर नहीं हो रहा उसे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इसका काफ़ी कंसिस्टेंट पैशन है, 25 साल से काम को लगातार करते चला जा रहा है, लेकिन बोर नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज़ मुझे इंडिया में अपने ख़ास तौर से अपने कंट्री में बहुत कम दिखाई देती है। जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उसमें मैं देखता हूँ, कोई डॉक्टर है तो कह रहा है यार डॉक्टर की लाइफ बहुत बेकार है, कोई लॉयर है तो कह रहा है लॉयर की लाइफ बहुत बेकार है, कोई टीचर है तो कह रहा है टीचर की कोई लाइफ होती है। तो नोबडी सीम्स टू बी सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ। तो ये बदलते रहते हैं, कीप चेंजिंग, और चेंज सबसे बड़ा फैक्टर है इंसान की ज़िंदगी में, और अगर चेंज ना हो तो हम बोर हो जाएं, तो ये अच्छा भी है हमारे लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। गौतम कृष्ण, आई एम ट्राइंग टू मास्टर कॉन्सेप्ट बाय मेकिंग स्मॉल क्वेश्चंस, विल दिस बी इफेक्टिव फॉर लर्निंग थ्योरी पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट? Little bit, oh sorry.
आई एम ट्राइंग टू मास्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग स्मॉल क्वेश्चंस, राइट. दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक, या दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लर्निंग एवरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यस, नो डाउट. हर सब्जेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वॉट, वाई, वैन, हाउ. जिस सब्जेक्ट में आपको ये समझ में आ गए चार सवाल, बस वो सब्जेक्ट आपका है. फिर जनरली हम इनमें वीक रह जाते हैं, इसलिए हम ऊपर जाकर वीक हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. जब भी हम किसी चीज़ में अपने आप को वीक पाते हैं तो बेसिकली हम उसके फंडामेंटल्स में वीक होते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. और ये जो आपकी टेक्निक है, आप स्मॉल क्वेश्चंस बनाते हैं हर चीज़ को लर्न करते हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड हैबिट एंड कीप इट अप. एनीथिंग एल्स? नवनीत कुमार, ओके, थैंक्स, वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम बेटा. गौतम कृष्णा, थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड इट्स माई प्लेजर टू शेयर माई व्यूज ऑन हाउ टू स्टडी विद यू. और मैं अगर किसी भी तरह से आपकी किसी भी मामले में हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरी खुशनसीबी है. तो समअप करते हैं. आई थिंक आप लोगों ने अभी तक मुझे कोई सजेस्ट नहीं किया इसके बाद में कोई टॉपिक हमें मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसी पे तो मैं समझता हूँ कि ये शायद मैंने आपको कन्विंस कर दिया इस बात पर कि एक ही टॉपिक हमें आज लेना चाहिए. और हमने लिया है आज टाइम स्केड्यूल अच्छा होता है बुरा होता है या उसको किस तरह से बनाना चाहिए. ज़ारा मुबीन, थैंक यू सो मच सर फॉर टेलिंग सच गुड थिंग्स, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स. तो स्टडी हैबिट्स हम अगले सेशन में बात करते हैं इसके ताल्लुक से डिटेल में, स्टडी हैबिट्स एंड एडिक्वेट. ये ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है. आई थिंक अगले सेशन में हम एडिक्वेट हैबिट्स, सॉरी स्टडी हैबिट्स, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्सरसाइज, इन तीनों टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं. मोहम्मद इमरान, आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर ओपिनियन एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट. Yes, it's enough for today. Mama Shan, thank you. Kaif Rahman, thanks and welcome. Most welcome, beta. So, chaliye milte hain next Sunday. Tab tak apna khayal rakhiye. Take care. Bye bye. Kaif Rahman, thank you.